हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग किंग क्रिकेट। तो भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल फैंस की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम आरसीबी की, और चर्चा करेंगे आरसीबी के ऐसे तीन प्लेयर्स की जिनको इस सीजन आरसीबी की प्लेइंग 11 में जगह बनाना काफ़ी कठिन होने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने अभी तक कोई भी आईपीएल टाइटल अपने नाम नहीं किया है, हालांकि इस सीजन उन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर्स को जरूर खरीदा है। तो देखने वाली बात होगी कि आरसीबी टीम इस बार कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन तीन प्लेयर्स की। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही आप अगर आईपीएल के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहें। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। पर हैं केन रिचर्डसन। इस बार आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी टीम ने केन रिचर्डसन को खरीदा है। ये पहले भी आरसीबी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इस बार इन्हें प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए काफ़ी कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। इस वक्त आरसीबी के विदेशी तेज गेंदबाजों में अगर हम देखें तो डेल स्टेन, इसरू उडाना, क्रिस मॉरिस हैं जो आरसीबी मैनेजमेंट की फर्स्ट वाइड रहने वाले हैं। इसरू उडाना इस सीजन आरसीबी के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसरू उडाना लेफ्ट आर्म पेसर हैं। इसके अलावा क्रिस मॉरिस और डेल स्टेन भी उपलब्ध हैं, तो इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। नंबर दो पर है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का 2018 सीजन आरसीबी के लिए काफ़ी बेहतर रहा था, लेकिन 2019 में उन्होंने लगभग 10 की इकोनॉमी से रन लुटाए और 9 मैचों में सिर्फ 7 विकेट लिए थे। हालांकि उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका प्रदर्शन बढ़िया रहा था, जिसकी वजह से आरसीबी टीम ने रिटेन किया है। लेकिन अगर हम बात करें आरसीबी प्लेइंग 11 में इनके स्पॉट को लेकर, तो इस बार इनके लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं नवदीप सैनी गजब की फार्म में चल रहे हैं और उमेश यादव ने भी अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट किया है, तो कोहली की टोली के लिए मोहम्मद सिराज फर्स्ट चॉइस बॉलर नहीं है। नंबर तीन पर हैं पवन देशपांडे। पवन देशपांडे लास्ट सीजन से आरसीबी टीम का हिस्सा हैं, हालांकि अभी तक इन्होंने आईपीएल डेब्यू नहीं किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बढ़िया ऑलराउंडर्स में इनकी गिनती होती है, लेकिन आरसीबी की प्लेइंग 11 में जगह बनाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा होगा। मोइन अली, वाशिंगटन सुंदर, पवन नेगी इनकी कैटेगरी के ही ऑलराउंडर हैं जो आरसीबी की फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं, तो इस सीजन भी इन्हें बेंच पर बैठे रहना पड़ सकता है। तो ये हैं आरसीबी के ऐसे तीन प्लेयर्स जिनको टीम में कंपटीशन के चलते प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल होगा। तो आई होप आपकी यूनिट पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार हमें जरूर दें, साथ ही इसे दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।